हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप आए एक बार फिर सम्राट गेम वीके में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्गम कंसोल के बारे में, जिसमें आर्गम गेम्स के बारे में बात करेंगे, सब की सब के बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक बैटमैन का पावर पंच हो जाए। चलो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, नंबर वन पे जैसा कि आपने सोचा था, बैटमैन आर्गम असाइलम है। वह 3D गेम है, ओपन वर्ल्ड बैटमैन की पहली गेम, मतलब बैटमैन की ओपन वर्ल्ड की पहली गेम है। और ये गेम ऑफ द ईयर भी है, जिस साल रिलीज हुई थी 2009 में। और इसके जैसे कि आपने देख लिया, PS3 PS4 में है, तो आप और ये PC वर्जन में भी है। लो PC में आराम से वर्क करता है। अगर आपके PC में ही चलता तो इंडस्ट्री भी चल जाएगी, समझ गए। और इसकी गेमिंग फाइटिंग स्टाइल काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स के साथ है। और इसमें एडवेंचर और ओपन वर्ल्ड है बोल आर्गम असाइलम के अंदर, तो वैसे भी आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। बैटमैन की ऐसी गेम जो पहली बनी, और उसके बाद बैटमैन की अगली गेम उससे आगे भी निकली, जो थी बैटमैन आर्गम सिटी। ये भी लो PC में चल जाता है। PC वर्जन PS3 और PS4 में अवेलेबल है इसे आर्गम। और आप ये PS3 के एमुलेटर से भी चला सकते हैं, PS3 की गेम डाउनलोड करके। चलिए इसकी भी आपको गेम प्ले थोड़ा दिखाएंगे, पर पहले थोड़ा देख लीजिए इसकी ग्राफिक्स। और काफ़ी गजब है, सबसे बढ़िया कस्टमाइज कैरेक्टर्स। इसमें कैरेक्टर कस्टमाइज है, फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है आर्गम असाइलम से, पहले से ज़्यादा है, और काफ़ी कुछ अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक झलक बैटमैन आर्गम सिटी की भी। फ्रेंड्स, बैटमैन आर्गम सिटी, पूरी सिटी मिलती है घूमने के लिए बैटमैन। और इसमें इसके अलावा बैटमैन के और भी कई फ्रेंड्स मिलते हैं, जैसे कि रॉबिन, नाइटवेन। और बैटमैन कस्टमाइज आपको बता दिया, बैटमैन के बहुत से सूट्स, आर्मर और गैजेट्स। और इन सबके अलावा बैटमैन के नए सुपर विलन्स, बिल्कुल डेंजर वाले, खतरनाक वाले, DC के सुपर विलन्स होते खतरनाक। और उसमें वॉइस एक्ट की है हमारे प्यारे बैटमैन एनिमेटेड सीरीज के मिस्टर केविन ने, तो उनकी वॉइस तो आपको पता ही कैसी होती है। और जोकर की भी वैसे के लिए और इसके अलावा बैटमैन आर्गम सिटी है बहुत सारे नए सुपर कॉम्बोस से, गैजेट्स, फाइटिंग स्टाइल और विलन्स तो है ही हैं। इसके अलावा बैटमैन का न्यू स्टेज ऑफ लेवल और गेम प्ले कॉम्बो, हाइपर ट्रैक एंड ट्रैप्स और पेन भी इसमें फिर से, और फिर से जोकर है। और इसके अलावा नए नए विलन्स तो है ही है, और मार सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है,
पावरफुल आपका अपना मेन करेक्टर बैटमैन ही होता है। और बैटमैन सीरीज तो चल कैसी लगी आपको हैं? एक बार फिर बात करते हैं बैटमैन ओरिजिन के बारे में। बैटमैन आर्कम ओरिजिन में 10 सुपर विलन्स मिलेंगे, फाइटिंग स्टाइल सुपर है इसमें, स्टेजेस कमाल के हैं, ग्राफिक्स और बैटमैन न्यू आर्मर और इसमें काफ़ी चीज़ें नई हैं। पर इसमें वॉइस एक्टिंग इस बार वो वाली नहीं है, अलग बिल्कुल अलग ही मिलेगी आपको। और गेम एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है क्योंकि फाइटिंग्स की याद रखी जाती है और कुछ कह सकते भाई इसमें कुछ कॉमिक बुक कुछ ऐसा भी इफेक्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। और बैटमैन अनमास्क भी मिलता है इसमें कुछ टाइम के लिए और बैटमैन आर्कम सिटी में भी मिलता है। तो बैटमैन आर्कम नाइट से पहले मैम ओरिजन स्कीम बहुत ही गजब है, तो इसकी भी झलक एक बार आपको दिखाई देते हैं, उसको भी थोड़ा देख लो। और ये गेम वाकई में फिर बस यही तीन गेम है जो PS3 और आप PS3 के एमुलेटर में आपको इजीली चला सकते हैं। इसके बाद बैटमैन आर्कम नाइट है जो कि हाई ग्राफिक मांगता है भाई। तो चलिए इसके पीछे इसको भी एक बार थोड़ा सा देख लो कैसा है ये गेम फ्रेंड्स। और गेमों का पता नहीं पड़ेगा, इस गेम में आपको मूवी के बहुत बैटमैन मूवी के बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे इस बैटमैन बिगिंस के। लेकिन इसमें आप वैसे ही एक अटैक करते हैं तो इसमें स्टोरी बैटमैन ओरिजिन की आपको पता है, जैसे कि फर्स्ट टाइम टू बैटमैन की है तो वो गॉथम नाइट में कई बार नज़र आता है न्यू तो कैसा होता है, तो वैसे ही है इसमें। इसमें बैटमैन का पूरा बीस्ट फॉर्म में एक तरह से खेल सकते हैं मतलब इफेक्ट। और ये बैटमैन ओरिजिन तो सिटी में आप घूम सकते हैं कहीं भी और आपको गैजेट्स क्या कहने इस गेम के। पर इसमें नई चीज़ें काफ़ी इंक्लूड करिए तो काफ़ी हद तक आपको इसको इसका ग्राफिक वैसा लगेगा थोड़ा जैसे कि आप कोई पेज पढ़ रहे हो मतलब पेज में 3D हाई इफेक्ट वाला। और ये बैटमैन बिगिंस जैसी मूवी जैसा ये बिल्कुल बैटमैन की मूवी जैसा है काफ़ी हद तक ये गेम। इसमें यानी प्लेयर फाइट हो या फिर कह सकते हो बॉस फाइट हो जो टॉप 10 फाइटिंग और उसमें डेथ स्ट्रो दिखाई देता है पर डेथ स्ट्रो उसमें डेंजरस लगता है और किसी गेम में डेथ स्ट्रो को इतना गजब नहीं दिखाया जितना इस गेम में दिखाया है। हद तक हर सुपर विलन बहुत ख़तरनाक लगता है पर ये आप खेलेंगे तभी आप जानेंगे। और इस गेम के फाइटिंग स्टाइल और ट्रेलर काफ़ी गजब है और हर एक विलन इसमें आपको डेंजरस लगेगा। इसमें पहली बार इस गेम में ऐसा लगता है कि बैटमैन नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा पर इसमें फाइट गजब है क्योंकि इसमें अनएक्सपीरियंस वाली फाइट होती है। इसमें बैटमैन कॉम्बोज भी कुछ वैसे ही होते हैं पर गेम गजब है ये, तो आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। और इसके हाई बहुत ज़्यादा हाई मतलब हाई क्या है देखा जाए तो अगर बैटमैन गेम को शुरू करना तो सबसे पहले इसी गेम से शुरू करो पर लेकिन इस गेम के अलावा आप बैटमैन के और गेम के साथ नहीं खेलना चाहोगे क्योंकि बॉस फाइट के हिसाब से नंबर 1 पे आता है एक तरह से ये। हालांकि क्योंकि ओपन वर्ल्ड गेम है ये भी पर इसके फाइटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया इस गेम में जैसे कि एडवेंचर गेम्स में बहुत कम होता है, फाइटिंग बिल्कुल मूवी स्टाइल में किया गया है। और इसके अलावा इस गेम में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सोचने में डाल देगा कि हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। बैटमैन के इन 10 विलन में से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था और कौन नहीं, तो आपको इसके लिए इतनी झलक काफ़ी होगी दोस्तों, इतना दिखाया काफ़ी होगा। हालांकि गेम प्ले कुछ खास नहीं दिखा सकता मैं आप जानते ही हैं क्यों, पर इसमें बाकी डिटेक्टिव स्किल्स तो हर गेम बैटमैन के हर गेम में ही थोड़ी थोड़ी और इसमें भी है। पर इसमें गेम स्टोरी बिल्कुल अलग है कुछ में
है स्टोरी, वहाँ से चलते हैं जहाँ से बैटमैन शुरुआत में सबसे अकेले काम कर रहा होता है, उस हिसाब से चलती है। तो उस हिसाब से हम गेम खेल सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बैटमैन आर्कम नाइट में बैट फैमिली मिलती है, लगभग बैटमैन फैमिली पूरी की पूरी, और बैटमैन के नए आर्मर सूट्स के अलावा क्या कहने। और प्लेइंग स्टेशन 5 में भी ये गेम है, मतलब है तो हाई ग्राफिक्स में है सीधी बात। और इसके अलावा हाई ग्राफिक्स यानी हाई ग्राफिक्स, हर एक चीज़ बिल्कुल बारीक से नज़र आती है, बिल्कुल एक नए वर्ल्ड की तरह। और सबसे मज़ेदार बात इसमें बैट मूवील है, जो बैटमैन गेम में काफ़ी मिस करते थे प्लेयर्स। हालांकि बैट मूवील्स के भी काफ़ी मिशन है, पर फिर भी ये अच्छी बात है, बैट मूवील तो दी भाई, कम से कम बैटमैन गेम्स में बैट मूवील का ही तो काफ़ी था। पर बैट मूवील्स में एक नहीं, बहुत सारी बैट मूवील मिलती हैं, ताकि मूवी वाली भी मिलती है। और बैटमैन की स्टोरी बहुत ही अलग है, पर एक चीज़ हैरान कर देने वाली, इसमें सबसे बड़ा और मेन विलन होता है स्केप रो, जो सभी गेम्स में स्केप रो दिखता है, वही इसमें आखिर में मेन विलन होता है स्क्रीव में। फियर गैस इतने ज़्यादा मेन विलन कैसे हो सकती है, पर हो भी सकती है। और इसके अलावा इसमें मैं बिल्कुल ही अल्टीमेट फाइटिंग स्टाइल कॉम्बोज मिलते हैं। और इसके अलावा इसमें बैट गर्ल भी है, जैसे कि मैंने कहा बैटमैन आर्कम नाइट में बैट फैमिली पूरी की पूरी है। तो बैटमैन के 3 आर्मर्स पिछली गेम्स में इसके हिसाब से इस गेम में भी कुछ है और अलग है, थोड़ा आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं खुद ही। और बैटमैन आर्कम गेम कंसोल ख़त्म होता यहीं तक, पर अभी वीडियो ख़त्म नहीं होगी, बैटमैन आर्कम के थोड़ी सी अभी थोड़े दिखाना आपको बाकी है, गेम पे थोड़ा सा दिखाते हैं। पर इसके अलावा दोस्तों, वीडियो आपको इतनी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, पर वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है अभी, तो देखते रहो अभी वीडियो। तो फ्रेंड्स, बैटमैन आर्कम गेम में बैट मूवील का बहुत बड़ा रोल है, और बैटमैन की कम से कम स्कीम में बैट मूवील होना बहुत अच्छी बात है। और आपको ज़्यादा बता दूँ कि इसमें वॉइस वही मिस्टर केविन ने करी है, यानी बैटमैन एनिमेटेड सीरीज के फेमस वॉइस एक्टर ने, तो सभी वही हैं ज़्यादातर। और इसके अलावा इस गेम प्ले है गजब, और सबसे बड़ी बात तो इस गेम में ये भी है, रेड हुड भी है। तो भाई ने बताया ना, पूरी बैट फैमिली है, तो रेड हुड भी है। पर इस गेम में एक चीज़ है जो बहुत ही अलग है, इसमें भी मूवी रेफरेंस है, जैसे कि बैटमैन बिगिंस में, फिर से बैटमैन बिगिंस का नाम आ गया। यू कैन इसमें फेयर टॉक्सिन पूरे शहर में फैलाना चाहता, तो बैटमैन बिगिंस में भी एंडिंग हुई तो फेयर टॉक्सिन पूरे शहर में फैलाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें भी वैसा ही है। बस मैं मूवी वाला रासल को ले, लेकिन वो पिछली गेम्स में था इसलिए इसमें नहीं है, क्या करें। और बैटमैन बिगिंस, उसमें बैटमैन की कितनी मूवी बन चुकी है दोस्तों, पर उसकी गेमें उतनी सारी शायद नहीं बनी है, पर फिर भी बनी तो है काफ़ी। और क्योंकि बैटमैन बिगिंस के ऊपर गेम बनी है, पर बैटमैन की दूसरी गेमों के ऊपर गेम नहीं, जैसे डार्क नाइट और डार्क नाइट राइजेस के ऊपर बन नहीं पाई पूरी तरीके से। पर इसके अलावा बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन बैटमैन गेम्स में इसमें भी मूवी रेफरेंस मिलना अच्छी बात है भाई। जो लोग बैटमैन गेम खेल रहा है उन्हें बैटमैन बिगिंस मूवी देखने जाएंगे फिर से। और फ्रेंड्स, में फाइटिंग कॉम्बो जैसे बता ही दिए, बैटमैन की अलग ही है कहानी। और इसमें फेयर टॉक्सिन है मेन विलन, तो भाई इसके क्रो को रोकने। और इसके अलावा बैटमैन की बैट मूवी जो बहुत सी गेम मिस करते हैं। तो बाय बाय, यहीं तक थी वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाय बाय।